तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज के बारे में कि एज वापस से ब्रेक पर जा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की कि ब्रॉक लेसनर का मैच क्राउन ज्वेल में हो सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं समग्रम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हो सकता है कि WWE में एज अब शायद कुछ महीनों तक TV पर ना दिखाई दे। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रिपल एच और क्रिएटिव टीम ने एज को फिलहाल एक्शन से दूर रखने का फैसला लिया। यही वो कारण है कि रॉ में उनका इंजरी वाला एंगल दिखाया गया था। दरअसल जजमेंट डे ने उन पर हमला किया था, जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो स्टील चेयर से एज के पैर पर बुरी तरीके से हमला करते हुए दिखाई दिए थे। बाद में फिन बैलर ने भी एज को इंजर्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में अब रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेटजर ने बताया है कि WWE शायद एज को TV से दूर रखने वाले हैं। इसी कारण WWE ने रॉ के एंडिंग में यह स्टोरी लाइन एंगल दिखाया था। डेव मेटजर का कहना है कि यह एंगल एज के साथ इसलिए दिखाया गया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सीमित है और वह हर हफ्ते शो में नहीं आ सकते। इसी कारण से शायद एक और इंजरी एंगल दिखाया गया। अब देखना होगा कि कब तक एज टेलीविजन से दूर रहते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर एक राउंड जेवल इवेंट में मैच को लेकर। तो ब्रॉक लेसनर आखिरी बार रोमन रेंज से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन इसमें वो हार गए थे। उसके बाद से वो दिखाई नहीं दिए। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही उनकी वापसी होने वाली है और उनका सामना अपने पुराने दुश्मन से हो सकता है। दरअसल जेरो न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रॉक लेसनर का मैच सऊदी अरब में होने वाले बड़े इवेंट क्राउन जेल में बॉबी लैशले से हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खुद ब्रॉक लेसनर ने इस इवेंट का हिस्सा बनने के बारे में बोला था। वैसे बता दें कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशले बहुत तगड़े सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं और दोनों का बैकग्राउंड MMA से है, इसलिए फैन जरूर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मैच में देखना जरूर चाहेंगे। वैसे उनका पहला मैच इस साल रॉयल रंबल में हुआ था, जिसमें ब्रॉक लेसनर को हराकर बॉबी लैशले नए WWE चैंपियन बन गए थे। उसके कुछ समय बाद ही एलिमिनेशन चेंबर में ब्रॉक लेसनर दोबारा चैंपियनशिप जीतने में सफल हुए थे, लेकिन वो सिंगल्स मैच नहीं था, उस मैच में कई और सुपरस्टार्स भी थे। अगर एक बार फिर से इनका मुकाबला क्राउन ज्वेल जैसे बड़े इवेंट में होता है तो ब्रॉक लेसनर जरूर अपनी हार का बदला बॉबी लैशले से लेना चाहेंगे। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्रम। थैंक यू।